वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं एमके की शादी में। आपका भाई हल्का फुल्का तैयार हो गया, ठीक है। गेमिंग ऑडियंस को पता होगा एमके कौन है, ब्लॉगिंग ऑडियंस को नहीं पता। तो एमके यार मेरी टीम स्टार का मेंबर है, जो हमारी पबजी की टीम है, पबजी मोबाइल की। तो उसकी शादी है मर्दान में। सुबह से तैयारियों में लगा हुआ था, रिकॉर्ड नहीं किया, बट अभी जल्दी जल्दी जो है ना तैयार होके, 2 घंटे का सफर है। जिन भी आ रहा है, साइलेंट है मेरे साथ और उसामा है, तो हम निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। और ये देखो जरा हमारा साइको यार, इसको धुलवाने का टाइम नहीं मिला ऑनेस्टली, लेकिन खैर रास्ते में देखते हैं क्या हो सकता है। बाकी आगे इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन भी छेड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, तो आप लोगों को और भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। एक ये बंदा जी तैयार हुआ है, इतना बड़ा क्या उम्र क्या तेरी? हाँ 20 साल है, और इसकी शर्ट इसके पापा जाके लाए थे। छोटी बच्ची हो क्या यार? ये जिन आ रहा है हमारा, इससे रोड क्रॉस नहीं हो रहा, इससे रोड नहीं क्रॉस हो रहा, बहुत देर से खड़ा है। आया नहीं यार, पहला स्टॉप लिया, टाइम बहुत कम है, मैं ब्लॉग नहीं बना रहा, बहुत लेट हो चुके हैं। 1 बजे जाना था, 3 बजे जाके हम पहुंचेंगे, 1 बजे तो हम निकल रहे हैं। तो बॉयज 2 गए हैं खाने को कुछ लेने, सारे सर हमारे साथ बैठे हैं, वो रहे डीजल डल रहा है रेवो में, ये हो रहा है फुल धड़ाधड़। बाकी यार शादी की थोड़ी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा और ही बताऊंगा, चलो अभी बता देता हूँ क्या वेल नहीं है। यार एमके ना एक बहुत मतलब स्ट्रिक्ट पठान फैमिली से है, तो दोस्त यार वाला कोई सीन नहीं था शादी में, ठीक है। तो भाई सादगी से नॉर्मल तरीके से उनके कल्चर के हिसाब से उसकी शादी हुई, अपने गांव के लोग थे, और उसने फिर दोस्तों के लिए एक अलग से इंतज़ाम किया, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये मामला है स्ट्रिक्ट है ना, तो दोस्तों के दिल रखने के लिए भाई उसने अलग से मामलात किए हैं। जाके मिलना है यार, बस मुबारकबाद देंगे और क्या, लेकिन मज़ा आएगा। ठीक है ठीक है यार, अहमद भाई के ब्लॉग में ना एक क्लिप है, मैं तुम्हें जरा बताता हूँ, आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। अभी हम ना भेरा इंटरचेंज पे थे, ठीक है, वहाँ पर रुके थे, तो गाड़ी हमने दूर खड़ी की, भूख लगी, मैकडॉनल्ड्स गए, उनका जो है ना वो बैठने वाला बंद था, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, डाइनिंग शायद से वो बंद था, तो हमने कहा ड्राइव थ्रू से ज़रा ना खाना ले ले। अब मैंने ना एक्टिंग की गाड़ी चलाने की, ऐसे चलते चलते पीछे मेरे 2 लड़के और सीट पर बैठे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, हम ड्राइव थ्रू पर गए, उसने ना कहा, हमने कहा सर, उसने सर सुन के आई गेस विंडो बंद कर दिया और चला गया ना, कहता रुको ऐसे करके ना, बड़ा बेइज्जती सी फील हुई, बुरा सा लगा। फिर हमने कहा भाई हिसाब बराबर करना पड़ेगा, फिर हम गए वहाँ से पैदल, वो विंडो बंद करके चला गया था, जाके रेवो लेके आए, रेवो में बैठे, फिर जब उसने पूछा हाँ जी सर, फिर हमने कहा हमने उसको कहा वेट करें, भाई इतनी मीम्स बन रही है ना, पहले उसने हमें कहा वेट करें, विंडो बंद कर दी, फिर ना हम रेवो लेके आए, फिर उसने पूछा जी सर, फिर हमने से कहा वेट करें, बहुत शेयर हो रही है। यार हम लोग फाइनली हॉल में पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले जो हमें ऐसे बना दे, देख ऐसे, ये सीख रहे हैं बॉयज। जिन था ये हमें वहीं मिला था, रोड क्रॉस नहीं कर, अच्छा इसको रोड नहीं क्रॉस करना था, पता है मैं गया हूँ, मैंने रोड क्रॉस किया, फिर मैंने इसको हाथ पकड़ के लगी कसम रोड क्रॉस करवाया। ये हमारे जिन भाई, और ये फ्यूरी पैंट कोड में लड़का अच्छा लग रहा है। बाकी एम के सबको मिलवा दें, ये बंदा ना एक ही प्लेट में सब जमा कर रहा है। पहले देखो इसकी प्लेट देखो, अभी चावलों में खीर डाल रहा है। अरे जिन, ये चावलों में खीर क्यों डाल रहा है? मुबीन ने जिनको गोद ले लिया है बंदा जी
बंदा चेंज तो यार ये दूल्हा मियां हमारे साथ हैं। अरे इसको पश्तो में क्या बोलेंगे कि मेरे दोस्त की शादी है। जमा द मरगरी, जमा द मरगरी वादा दे, जमा द मरगरी वादा दे। हाँ मज़ा आया, एमके ने अच्छी मेहमान नवाजी की भाई। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। हाँ शर्मा क्यों रहा, नूर आ गया चेहरे पे, ये तो है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया एमके में। बाकी मिलते हैं भाई इंशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ मेरी जान। अल्लाह करे बाकी की भी हो जाए, बाकी रहेगा सारे। हम अलग पार्टी में हैं, ये अलग पार्टी में। इनकी गैंग में आ गया हूं। हां मैच्योर गैंग, या मैच्योर गैंग, ये किड्स। ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। कम से कम आजाद तो है ना, किसी की गुलामी में नहीं जिए। ओ ओ हूं आजाद। पापा के साथ जाके शर्ट लेके आया था अपनी, ये तेरी शादी की पर अलग किस्म चाहिए। बाप का हुक्म सर आंखों क्यों नहीं मानता फिर। यार वापसी में ना गाड़ी में चार बंदे थे मेरे अलावा, तो पीछे वाले तंग बैठे थे रास्ते में। मैंने ना सामा को उतारने जाना था, तो मैंने साइलेंट को बोला भाई तू इतनी देर में दूध ले ले, मैं सामा को उतार के आता हूँ, तब तक ये दोनों भी खुल के बैठ जाएंगे आराम से। अब साइलेंट सर दूध लेने गए तो पहले एक कॉल आई, भाई शॉप का है, उसको शॉप का बताया, कॉल करी। फिर दूसरी कॉल आई, भाई शॉप मिल गई, व्हाट्सएप पर तस्वीर आ रही है, शॉप मिल गई। फिर तीसरी कॉल आई, भाई इसके पास दूध खत्म हो गया, कॉल रख दी। फिर चौथी कॉल आई, कहता भाई इसके पास कड़ा हुआ दूध है, मैंने कहा चल वो ले आ। फिर कॉल रख दी। फिर पांचवी कॉल आई, कहता वो अपना कड़ा हुआ दूध नहीं दे रहा। कहता वो अपना कड़ा हुआ दूध नहीं दे रहा, वो कह रहा है मेरी जलेबियों के लिए। ओए साइलेंट, वो तुझे कड़ा हुआ दूध क्यों नहीं दे रहा था यार? वो मैंने से बोला बेचने के लिए रखा हुआ दे दो। हाँ। तो कहता नहीं देना, दो तीन बार बोला, मैं कहा क्यों, रीजन बता। कहता ये देखो हमारी जलेबियां ऐसे ऐसे करके तैयार हो रही है, तो ये उसके लिए रखा। मैं कहा पहले बोल देता, टाइम क्यों जाया किया। तूने उसका भी टाइम सही किया, तूने हमारा भी टाइम सही किया। पब्लिक हमने जो मैट्रेस मंगवाए क्योंकि बॉयज हैं, तो ये देखो वो ऑलरेडी वहाँ सोए थे, बिस्तरे और आ रहे हैं, तैयारी शैरी चल रही है। रूम जो है हम घर को फुल रौनक वाला बनाएंगे। कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, खाने को बिरयानी लाए हैं, बिरयानी चलेगी। दावत में खा के आए थे लेकिन दिल नहीं भरा, तो फिर भी बिरयानी। और ये हमारी बिरयानी, और ये बोतलें शोतलें, और ये भी चाय बनेगी, तो दूध, मज़ा आने वाला आज रात। यार रात को खूब मस्ती मजाक, लूडो ले आए थे, ताश ले आए थे नॉर्मल गेम्स खेलने के लिए, और एट बॉल पूल था, तो बहुत मजा आया, काफी एक्टिविटीज की। फिर सो गए, अभी उठ रहे हैं तकरीबन दिन के 2 बजे, तो अभी जो है नाश्ता करने जा रहे हैं। हम ना थोड़ा सेपरेटली आके बैठे हैं, लेकिन हम ना इंसानों के साथ साथ जानवरों के हकूक का भी बहुत ख्याल रखते हैं, तो वो हम उसको अपने साथ रख रहे हैं। बिल्कुल बीच वाला। यार ये हमारा एक लड़का जा रहा है, इसको बोला था रुक जा, पर ये बहाने बना रहा है, कभी कह रहा है मेरा कुछ, कभी कह रहा है मेरा कुछ, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है फिर भाई, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे गले, हम कैमरा बंद करके मिलते हैं ज़रा अच्छे वाला, हाथ भी रखेंगे। यार पब्लिक कल लूडो आपको पता है आ गई थी, स्नोकर हमारे पास हो गया, ताश वाश हो गया, मैं सोच रहा था कैरम लाने का, लेकिन उसके अलावा हम ले आए हैं LCD, इसको यहाँ फिट करेंगे। क्योंकि भाई मैंने रास्ते में रिकॉर्ड नहीं किया, असल में फ्यूरी चला गया, फ्यूरी के जाने का दुख इतना है, जिनको बेचारा सैड सैड रोने वाला हो रहा है, इसलिए हमने वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और लगाते हैं, फिर आपको शश के दिखाते हैं। देखो इतना सैड है बेचारा, आगे नहीं आ रहा, दूर बैठा हुआ। आ जाए जिन, बिस्मिल्लाह, पाँव बांधो, छुरी लाओ। एक बार ना मैं ऐसे घी का दुकान पे घी लेने गया, ऐसे ही छुरी से ना वो खोल रहा, कार्टन खोल रहा था, और तीन चार शापर घी के कट गए साथ ही। चलो यार निकालो बाहर, आई एम वेरी एक्साइटेड। यहाँ लगेगी नेटफ्लिक्स यूट्यूब, बंदा ऑप्शन ही ऑप्शन, आराम सुकून से बैठ। जो सर नेटफ्लिक्स चलाने के लिए सिर्फ अकाउंट ही ऐड करना ना, कोई ज्यादा कौन सी सीरीज देखें फिर कमेंट में बताओ यार, कोई अच्छी सीरीज रिकमेंड करो। अभी लास्ट टाइम देखिए स्ट्रेंजर थिंग्स, निकाल धूमता ना 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 ना। उसके अभी तो उसका स्टैंड नहीं लगा हुआ ना, तो टिकेगी कैसे, बस देखते हैं। अगर ये ऐसे ऐसे यार पर पता है कि यहाँ जी जंगल यहाँ पे चलनी है, ये ना बॉल आगे इसको लगे। हाँ ये भी हो सकता है, गिरती है हमारी बॉलिंग, गिरती है खास तौर पर मेरी ही बॉल गिरती है, सबसे गिरती है ऐसे टक 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 टक, यहाँ वो कॉमन जेरी की तरह यहाँ अंदर गई हो, तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। यार चलो इसको फिट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। यार LCD लग चुकी है, सेटिंग हो रही है इसकी, लेकिन अब लंबा ब्लॉग हो गया था, मैं एंड की एक्टिविटीज और रिकॉर्ड करूंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा आप लोगों के लिए। एंड करते हैं ब्लॉग को शेयर के साथ, खैर इस बात को तो छोड़, ये बता कैसी है, जिसे तूने चाहा था वो तेरे नजदीक तो है, कौन से गम ने तुझे चाट लिया अंदर से, आजकल फिर से तू चुप रहती है, सब ठीक तो है। हाय तहजीब साहब क्या कह गए थे, कह गए हैं जिंदा है भाई, सॉरी।
तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।